नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल नागरिक सेवा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ समग्र पोर्टल पर जो प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक बार इस ब्राउज़र में, अभी मैंने मोजिला ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम समग्र आईडी अगर निकालते हैं परिवार आईडी से, समग्र आईडी से मेंबर या किसी भी थ्रू हम यहाँ पर अगर अपनी वोटर आईडी बोल रहा हूँ अगर हम यहाँ पर अपनी समग्र आईडी निकालना चाहते हैं या ई केवाईसी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं हो पा रही हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है एक बार मैं यहाँ पर आपको देख करके बता दूँ। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी अपनी परिवार आईडी, मैं यहाँ पर डेमो डाल करके देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं अपनी जो भी आईडी आप अपनी है उसे डाल करके देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जब आप कार्ड प्रिंट करते हैं तो कुछ भी नहीं बताता कि एरर क्या है, क्या एरर है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। सीधे जो आपका ब्लैंक हो जाता है यहाँ पर परिवार आईडी, जहाँ पर हम यहाँ पर फिलअप करने को बोलता है, ये चीज़ ब्लैंक हो जाती है और फिर से ऐसा लगता है कि फिर से यहाँ पर डाल के देखते हैं और आप यहाँ पर 10 बार भी ट्राई करेंगे तो भी सेम आपका यहाँ पर यही कंडीशन बताएगा। इसी प्रकार हम मोजिला में भी अगर देखें तो भी यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। अगर इसमें भी आप यहाँ पर फिल करके देखेंगे तो चलिए इसे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं मोजिला में भी, तो सेम प्रॉब्लम देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बता रहा है, कोई आउटपुट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पर, सीधे ये आपका फिर से ब्लैंक हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। या तो ये कहा जाए, अभी तक आपने मोजिला और क्रोम सभी लोग यूज़ करते हैं, अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज जो सॉफ्टवेयर है, एज जो ब्राउज़र है उसे आपको, पहले मैं सर्च कर लूँ एज, तो ये आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज, ये भी एक वेब ब्राउज़र है, ये सभी सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। तो इसे आप लोगों को सिर्फ सर्च कर लेना है और हो सकता है सामने ही आपके में दिखता हो, तो इसे आप ओपन करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर फिर उसी पोर्टल पर जाएंगे, समग्र के पोर्टल पर, और यहाँ पर आप जब कोई यहाँ पर आप एक बार समग्र आईडी निकाल करके देख लें, अगर समस्या आती है तो वैसे समस्या नहीं आएगी और आएगी तो फिर मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर वोटर आईडी आपका प्रिंट हो रहा है, सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सिंपली है, बहुत आसान है, आप लोगों को इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर वोटर आईडी अपनी निकालनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये कैसी लगी ये कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और अगर आपका जो है सिस्टम या आपका जो एज ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएँ, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।